Hello, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज जो हम करने वाले हैं टॉपिक वो है हमारा हमने लास्ट में आपको याद होगा जो हमने किए थे वो हमने किए थे बिगनर्स क्वेश्चंस वी अटेम्प्टेड अबाउट सेवेंटी बिगनर्स क्वेश्चंस जो कि जिसके बाद आई एम श्योर प्लान किंगडम ऑलमोस्ट एंड हो गया था हमारा उसके बाद हमने वो बिगनर सेक्शन स्टार्ट किया था और उसमें जो भी छोटी बहुत निटी ग्रिटीज थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमारी पढ़ाई के टाइम पर छूट गई थी वो हम क्वेश्चन फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे ताकि आई जी के एग्जामिनेशन में तो आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स आते हैं और उसमें बेसिकली क्वेश्चन होते हैं जिसके चार ऑप्शन होते हैं आपको एक टिक करना होता है तो बेसिकली जो एमसीक्यूज हैं हम अभी उन्हीं एमसीक्यूज पे वर्क कर रहे हैं और जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं अब बिगनर का सेक्शन जो था वो थोड़ा सा इजी था अब हम आते हैं हमारे इंटरमीडिएट पे फिर हम जाएंगे हमारा अचीवर्स सेक्शन पे तो मीन वाइल जब भी हम पूरे डेढ़ सौ क्वेश्चन जो कि हमने डिवाइड किए हैं फॉर द बिगनर्स इंटरमीडिएट एंड एडवांस जो मैंने कंप्लीट करके रखे हैं कोलेबरे जो कंपाइल करके रखे हैं जब हम वो वर्कआउट करेंगे तब तक आपको और भी जो फंडा है आपका इसके बारे में लेके कोई भी अगर मिसकन्सेपन है कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं है तो वो सब कुछ आपको तब तक बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी अब जैसे कि मैंने आपसे कहा नाउ वी आर मूविंग अ लिटिल स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ वेल अबाउट मे बी वेन वी आर टॉकिंग अबाउट आई जी क्यू एग्जामिनेशन हमें uh, मैंने आपसे कहा था एक पहले मैंने आपको अपना एक मूल मंत्र दिया था इंच बाई इंच एवरी थिंग आप एक एक कदम चलते जाइए और आप धीरे 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 अपने गोल के पास पहुंचते जाते हैं हमारा मोटो भी यही कहता है टुगेदर वी कैन विन ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसे मैंने आपसे कहा इज अबाउट इंटरमीडिएट प्लांट इंसिक्यूज तो वो हम करना स्टार्ट करते हैं आपको कोई भी अगर बीच में डाउट है तो तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन गेट बैक टू मी मुझे पता चल जाएगा कि आपको कहां समझने में दिक्कत हो रही है एंड वील ट्राई टू लाइक सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड सोल्व क्वेरीज एट वॉर वी हैव इन माइंड बट फिलहाल मुझे लगता है कि जितनी डिटेल में हमने ये प्लांट किंगडम पढ़ा है मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ दीज वी एक्चुअली नो एंड हाउ मेनी ऑफ दीज आर स्टिल टफ टू अंडरस्टैंड कम ऑन सो फर्स्ट पार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द एम सी क्यू विच इज फॉर द इंटरमीडिएट लेवल इज द कलर पार्ट ऑफ बोगनवीलिया फ्लावर इज द अब वोगन का जो फ्लावर है वो तो आपने देखा ही होगा बहुत सुंदर सुंदर कलर्स के आते हैं बहुत रंग बिरंगे होते हैं हम लोगों के जो घर में गार्डन्स होते हैं ऑलमोस्ट ऐसा हर गार्डन होता है जिसमें कोई ना कोई एक कलर का बोगनवीलिया तो लगा ही होता है बोगनवीलिया का जो सबसे एडवांटेज uh, माना जाता है एक्चुअली कि वो हेंजेस पे लगा देते हैं लोग ये बाउंड्रीज पे लगा देते हैं क्योंकि उसको जो ये हर्बीओरस uh, जो एनिमल्स है ना जो कैटल्स हैं वो भी नहीं खाती हैं क्योंकि उसमें छोटे छोटे से कांटे भी होते हैं और उसके बहुत सुंदर कलर्स आते हैं पिंक आता है वाइट कलर के बोगनवेलिया आते हैं बहुत सुंदर सा एक ऑरेंज कलर आता है वायलेट कलर आता है येलो कलर आता है इट ऑलमोस्ट कम्स इन ऑल द ह्यूज एंड कलर्स जो कि आप सोच सकते हैं और बहुत सुंदर से फ्लावर फ्लार सुंदर नहीं होते लेकिन क्योंकि वो इतने बंचेस में लगते हैं कि वो जो पूरे लगते हैं तो पूरे लद जाता है पेड़ और वो बिल्कुल उसी कलर का दिखता है जिस कलर का फ्लावर होता है तो अब ये हम बात कर रहे हैं उसी बोगनवीलिया की और हम बात कर रहे हैं द कलर पार्ट ऑफ बोगनवीलिया फ्लावर इज द वो जो दूसरा पार्ट होता है बोगनवीलिया के उसका उसको हम क्या कहते हैं क्या वो फ्लावर्स होते हैं एग्जैक्टली exactly वो फ्लावर्स नहीं होते यू नो you know, वो दिखते फ्लावर्स जैसे हैं बट दे आर नॉट एक्जैक्टली फ्लावर्स अगर आप देखेंगे उनको तो फ्लावर्स नहीं होते सेगमेंट्स जैसे कुछ चोई कोई चीज दिखती है टल्स जैसी कोई चीज दिखती है दे आर नॉट एग्जैक्टली द आइडियल लुकिंग फ्लावर्स तो वो एग्जैक्टली exactly क्या होता है वो कोरोला होता है वो 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 इनमें से आपको क्या लगता है वो वोट यू थिंक कोरोला तो एक अलग सेक्शन ही अलग हो गया हम बात कर रहे हैं कि वो क्या होगा जब मैंने आपसे कहा कि वो एक्जैक्टली exactly फ्लावर नहीं होते वो पेटल्स जैसे दिखते हैं या लीव जैसे दिखते हैं तो आपको ये टर्मोलॉजी पता है ये बात मैंने बहुत सारे फ्लावर्स के बारे में की है कि वो एग्जैक्टली exactly, जब हम वियर्ड फ्लावर्स डिस्कस कर रहे थे आपको तब भी याद होगा कि मैंने कुछ ऐसे फ्लावर्स के बारे में आपसे बात की थी जो कि एग्जैक्टली exactly फ्लावर्स नहीं है पर ब्रैक्ट्स हैं और फ्लावर जो है एक्चुअली जो असली फ्लावर है वो उन ब्रैक्ट्स के अंदर छुपा हुआ होता है लेकिन वो खूबसूरती जो होती है उस ब्रैक्ट की होती है और यहां पे भी वो बिल्कुल सेम चीज है दे आर द ब्रैक्ट सो नाउ वी नो द आंसर फॉर दैट अब हम आते हैं दूसरे पे अब हम बात करते हैं साइमॉस इन्फ्लोरेंसिस की जो कि कॉमनली अकर होता है अब साइमोस इन्फ्लोरेंसिस एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें अगर हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिक उसमें नहीं जाते हम बोटानिकल डिटेल्स में नहीं जाते इसकी तो आप ये समझ लीजिए कि जो स्टेम की जो ग्रोथ है वो तब रुक जाती है जब फ्लार की ग्रोथ रुक जाती है ये एक बहुत ही आ, व, प्राइमरी uh, डेफिनेशन है इस चीज की अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये किस में अकर करता है ये क्या ये क्रूसी में करता है क्या ये मैलबसीज में करता है क्या ये सोलनसीज में करता है ये ये या लिया ये में करता है अब हम बात करने वाले हैं ये नाम आपने डिस्कशन किया होगा और ये बेसिकली अकर करता है में ओके okay? सो so, आपने कहीं ना कहीं ये टर्मिनोलॉजी मेरे ख्याल से हमने नहीं कवर की है अपने प्लांट किंगडम में पर हमने इनको कवर किया है तो आपने ये नाम जरूर सुने होंगे और आपने ये पढ़े भी हैं आप याद कीजिए जस्ट स्क्रैच योर हेड एंड यू विल एबल एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि हमने कहा पढ़े थे नाउ द एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज अब हमने कॉटलाइड की बात की थी राइट right? राइट right? जब हमने मोनो कॉटलाइडन की और डायटेलाइडन की बात की थी तो हमने बात की थी मोनोकॉटोलाइडन वो होते हैं जिसमें एक कॉटलाइडन होता है और डायकॉटलाइडन इसका ऑपोजिट होता है अब हमने जब बात की थी बेसिकली सनफ्लावर की तो यहां पे जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर है टू कॉटेलाइड सनफ्लावर का जो प्ला जो फूल होता है उसके अंदर टू कॉटेलाइड होते हैं उसके एम्ब्रियो में अब हम आते हैं हमारे फोर्थ uh, क्वेश्चन पे विच इज Heterospory and the speed and the seed habit are often discussed in relation to the structure called. हैट शू स्परी एंड सीड हैबिट आपको याद है हमने हैबिट्स की बात की थी हमने जब ये बात की थी कि ग्रोथ हैबिट्स की हमने बात की थी उस टाइम पर यह पर्टिकुलरली ये पर्टिकुलर टर्मनोलॉजी की भी एक बार जिक्र आया था कि जब हम हैबिट की बात करते हैं हैबिट का मतलब क्या होता है किसी चीज़ की जो एक बेसिक ग्रोथ प्रोसेस का हिस्सा होता है या सीड जो एक हैबिट हमारी कौन सी हैबिट होती हैं कुछ अच्छी होती हैं कुछ बुरी होती हैं वो जो हमारी आदतें होती हैं जो हम रोज़मर्रा में करते हैं जो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है रूटीन बन गया है रेगुलर वे बन गया है हमारे जीने का उसी तरह जब हम प्लांट्स की ग्रोथ हैबिट्स की या सीड हैबिट्स की बात करते हैं तो वो भी इसी तरह की कोई चीज़ होती है अभी हम बात कर रहे हैं कि आर ऑफन डिस्कस इन रिलेशन टू तो द स्ट्रक्चर कॉल्ड जब हम इसकी बात करते हैं तो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं इनमें से क्या हम स्पेद की बात कर रहे हैं क्या हम ब्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम पेटियोल की बात कर रहे हैं या लिगियोल की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं लास्ट टर्म लॉजिक की पेटियोल ब्रैक्ट स्पेथ तो आपको मालूम है कि ये बिल्कुल ब्रैक तो मैंने आपको बताया कि किसको बोलते हैं पेटियोल भी आपको मालूम है कि हमने जब फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था जब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तब आपको वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई थी जब हमने लीव और पेटियोल्स के बारे में पढ़ा था लीवस के बारे में स्टेम्स के बारे में फ्लावर्स के बारे में तब हमने पेटियोल पढ़ा था कि वो चीज़ जो कि फ्लावर के स्टेम को उसको कनेक्ट करती है उसको पेटियोल बोलते हैं तो नाउ यू वेरी वेल नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट Look at look at this, you will be uh, clear with the idea. Y leaf sheath hai, your hollow cut stem hair, right? your leaf blad hair or part hai, yeah ligule hai. Okay, so now you know what we are talking about. Now comes another question which is what type of presentation is seen in the sweet pea? स्वीट पी में किस तरह का प्रेजेंटेशन या किस तरह का प्लेसेंटा जिसको हम बोलते हैं उसका presentation किस तरह का देखा जाता है क्या वो एग्जाइल होता है क्या वो फ्री सेंट्रल होता है क्या वो मार्जिनल होता है क्या वो बेसल होता है अब आपको स्वीट uh, पी पता है स्वीट पी हमने एक पर्टिकुलर uh, uh, एक स्पीशीज हमने डिस्कस की थी ऑब्वियसली वीडेंट डिस्कस द प्रेजेंटेशन मे बी ऑफ इट बट वी डिस्कस्ड अबाउट द एग्जिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज Now this question, hai, we are not spending too much time and we are not spending too much time of discussing this because we have spent ample amount of time इन डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट किंगडम हमने बहुत सारा जो हिस्सा है प्लांट किंगडम का वो हमने पढ़ा है इस वजह से जब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अब तो हम उनकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं स्पेशली उन चीजों की जिनको हमने प्लांट किंगडम में पढ़ लिया है तो अभी हम जब बात कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन की प्रेजेंटेशन किस तरह का होता है स्वीट पी में वो मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है स्वीट पी में ओके सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्ट इन इंटरमीडिएट लेवल दे आर मिडिल लेवल क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा मिडिल लेवल ऑफ डिफिकल्टी है इनकी पर अचीवर सेक्शन इससे ज्यादा मुश्किल होने वाला है इसी वजह से मैं आपसे बार बार कह रही हूँ दैट वॉट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू गो बैक आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा एक बार जाके हमारा जब हमने जो भी हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा है आपको एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा वो सब कुछ क्योंकि अगर जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे कोई इन्फॉर्मेशन जब तक बहुत लंबे टाइम तक आपके दिमाग के डोमेंट स्टेट में रहती है तो वो वहां से उड़ने लगती है है ना जो चीज़ें हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी सेकेंड क्लास में पढ़ी थी थर्ड क्लास में पढ़ी थी अभी तक याद है क्या आप लोगों को नहीं याद है वो धीरे धीरे आपके दिमाग से जा लगती है राइट सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो पढ़ा है आप उसको टाइमली टाइम टू तो टाइम रिवाइज करते चलिए और आप उसको पढ़ते चलिए ओके सो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द प्लेट फ्रॉम और वन मोर इज कॉल्ड ये ये आपको ये हमने मॉर्फोलॉजी uh, में पढ़ा था जब हमने प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी उस टाइम पे भी हमने पढ़ा था जब हमने इनको जब प्लांट्स के बारे में हमने ओवर स्ट्रक्चर के बारे में हमने प्लांट के पढ़ा था जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था uh, बाकी चीजों के बारे में जब हमने लीव के बारे में पढ़ा था प्रोसेस के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था और तब आपको ये पता होगा कि हमने नोड और इंटर नोड पढ़े थे याद है आपको हमने नोट इंटर नोट्स पढ़े थे कि जो दो नोड्स के बीच की जगह होती है वो इंटर नोड होता है और नोड किसको कहते हैं नोड बेसिकली कहते हैं स्टेम और ब्रांच को जहां से वन और मोर लीव वो जो जगह जहां से एक या ज्यादा लीव निकलती हैं स्टेम में उसको हम कहते हैं नोड्स और उनके दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है या कनेक्टर होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड राइट तो आई एम श्योर ये आपको याद अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है रूट्स के बारे में अब जब हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि हमने बहुत सारे रूट्स हैं एक पर्टिकुलर जो हमने मॉर्फोलॉजी की थी जब हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी उसमें जो रूट का सेक्शन था वो हमने बिल्कुल अलग किया था क्योंकि वो इतना बड़ा सेक्शन था कि वो बाकी जो प्लांट मॉर्फोलॉजी थी उसमें कवर अप नहीं हो पा रहा था तो उसमें हमने बहुत सारी रूट्स के बारे में पढ़ा था आपको याद होगा हमने उसमें टैप रूट्स पढ़े थे उसमें हमने फाइब्रस रूट्स पढ़े थे एडवेंशस रूट्स पढ़े थे उसके बाद पैरासाइट रूट पढ़े थे काफ़ी सारे तरह के हमने रूट्स उसमें पढ़े थे उसके बाद जब हम बात कर रहे थे अभी बिगनर सेक्शन की या इनफैक्ट अभी कुछ एक आध दो स्लाइड्स पहले भी तो हमने और भी तरह की रूट्स के बारे में डिस्कशन किया था अब एक आध दो दि चीज़ें जो हमने छोड़ दी थी या हमने रहने दी थी अब हम जब हम एम करेंगे तो जो पार्ट जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमसे निग्लेक्ट हो गई थी या हमने छोड़ दी थी वो भी उसमें कवर हो जाएगा तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एकमुलेटिव अगर आप उसमें देखेंगे कि हमारी स्टडीज के हिसाब से तो हम ऑलमोस्ट हर चीज़ या तो हमने पूरा उसको डिटेल में पढ़ा है या हम उसको एम के माध्यम से पूरा कर लेंगे तो हमारा बेसिकली ये जो सिलेबस है वी आर गोइंग टू ऑलमोस्ट गेट देयर अब हंड्रेड तो शायद हम ना पहुंच पाए बट वी विल बी ऑलमोस्ट through the entire syllabus as defined by whatever like the, कोई बहुत uh, मैंने आपसे कहा था ना वाटर टाइट कंपार्टमेंट में कोई डिफाइंड सिलेबस तो नहीं है लेकिन प्लांट किंगडम में जो नाइन्थ ग्रेडर्स तक हमें जो ज़रूरत है वहाँ तक आई थिंक हमने कवर कर लिया है ओके सो नाउ खैर हम बात कर रहे हैं नॉर्जिलोस रूट्स की अब इसका नाम जो है आप इससे समझ सकते हैं कि इसका नाम जो है आप यहीं से समझ सकते हैं जब हम बात करते हैं नोड्यूलोस की तो वी आर टॉकिंग अबाउट नोड्यूल्स राइट नोड्यूल्स किसको बोलते हैं एक तरह की जो गाठ होती है उसको हम नोड्यूल्स बोलते हैं हम तो ये उस तरह की रूट्स होती हैं जो कि नीचे से स्वेलप रहती हैं, राइट right? जो नीचे की तरफ से स्वेलप रहती हैं उनको हम बोलते हैं नोड्यूलोस रूट्स अब वो हम बात करते हैं काहे में वो इनमें से काहे में पाई जाती है अब ये जो नाम है ये आप जैसे पढ़ रहे हैं करक्यूमा लौंगा ये नाम आपको सुनने में बहुत अलग सा लग रहा है बहुत ऐसा लग रहा है कि ये तो हमने शायद मैम ने पढ़ाया भी नहीं हमने सुना भी नहीं और लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये बेसिकली साइंटिफिक नेम है हमारी टर्मरिक या हल्दी का ओके okay. सो so, कई बार जो नाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग होते हैं वो पढ़ के सुन के हमें बड़ा डर लगता है क्योंकि वो साइंटिफिक नेम्स होते हैं लेकिन जब हम उनको सिंप्लीफाई करते हैं किसी भी चीज़ को जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो बहुत ही सीधी सी सिंपल सी चीज़ की बात हो रही थी पर खैर इसका जो आंसर है वो ये नहीं है वो ये नहीं है ये एक आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया इसका जो आंसर है वो है मैंगो जिंजर ओके इसकी जो रूट्स होती है वो नॉलस रूट्स होती है स्वेल्ड रूट्स होती हैं और इसका आपको एक और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं देती हूं इसका जैसे इसका जो नाम है वो है कर ह्यूमा एमडा ठीक है इस इस साइंटिफिक नेम का मैंने आपको कॉमन नेम बताया और इस कॉमन नेम का मैंने आपको साइंटिफिक नेम बताया ओके okay, सो so ये एडेड जानकारी है या आपके आई होप काम आएगी सो नाउ लेट्स गेट टू अनदर वन अब हम बात करते हैं प्रॉप रूट्स की प्रॉप रूट्स अभी मैंने जब हम डिस्कशन कर रहे थे रूट्स के ऊपर तो हमने डिस्कशन किया कि नॉर्मली प्रॉप रूट्स हो गई या फिर स्टिल्थ रूट की भी हम बात करते हैं तो स्टिल्थ रूट प्रॉप रूट्स या नॉर्मली टाप रूट या फाइब्रस रूट्स के उसमें नहीं आती हैं ज्यादातर ज्यादातर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑलवेज आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है एडवेंचरस रूट्स का हिस्सा होती हैं और इनके बेसिकली uh, ये तो मैंने लगते हैं एडवेंचरस रूट प्रॉप रूट से आप समझते क्या हैं प्रॉप जब हम बात करते हैं जब हम किसी प्ले की बात करते हैं या हम कोई स्किच करने वाले होते हैं आप स्कूल वगैरह में कोई स्किच करते होंगे तो आप प्रॉप्स यूज़ करते हैं राइट अब प्रॉप्स का मतलब क्या होता है इनको आग, इनके दो वजह होती हैं एक तो अपना जो आपका जो काम है जो आप करने वाले हैं जो आप परफॉर्म करने वाले हैं उसकी परफॉर्मेंस की जो इंटेंसिटी है उसको दिखाने के लिए इसको सपोर्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है राइट आपको प्रॉप आप यूज़ करते हैं ताकि जो आपकी बात आप कहना चाह रहे हैं समझाना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को और सपोर्ट मिले आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझा पाए राइट पहली चीज और दूसरी चीज होती है कि वो दिखने में जो होता है वो बहुत सुंदर दिखता है और वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है उसको और उसकी जो एक जिसको हम कहते हैं ना दिखावे पे मत जाइए अपना अकल लगाइए लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आज की दुनिया में दिखावा ज़रूरी होता है तो प्रॉप्स हम इस वजह से भी यूज़ करते हैं पर नेचर जो है वो प्रॉप्स अपना इस वजह से ज़्यादातर यूज़ नहीं करता इसका अपना ऐसा दिखने में आपको लगता है कि बरगद के पेड़ में जब वो जड़े निकलती हैं तो बड़ी सुंदर दिखती हैं और उसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसका मेन पर्पज़ सिर्फ ये सुंदर दिखना नहीं है वो हम इंसान करते हैं प्रकृति जो है वो उसका मोटिव कुछ अलग होता है हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है किसी ना किसी एग्जिस्टेंस का कोई ना कोई कारण होता है और प्रॉप प्रॉपरूट का कारण यह होता है कि वो बेसिकली उसको सपोर्ट दे एंकरेज प्रोवाइड करे क्योंकि जब कोई पेड़ जिसकी रूट uh, जो है वो इतनी ज्यादा फैल जाती है बड़ा हो जाता है वो पेड़ कि उसमें प्रॉप रूट निकल आती हैं तो वो जरूरी होती हैं क्योंकि उसको एंकरेज या सपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए जरूरी होती है तो अब आपको क्लियर हो गया दो चीजें मैंने आपको बताई प्रॉप्स का रेफरेंस मैंने आपको दिया जो आप स्किट्स और प्लेस करते हैं स्कूल कॉलेज में वो आप क्यों करते हैं ताकि दो चीजें होती है उसमें पहला तो आपको अपनी जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको सपोर्ट करने के लिए जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं उसको हम प्रॉप्स कहते हैं उसका एक मोटिव ये भी होता है कि उसको आप ज़्यादा इंटरेस्टिंगली प्रेजेंट कर पाएँ ज़्यादा अच्छे से अपनी बात समझा पाएँ इसलिए आप यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो प्रॉप का है द की इज सपोर्ट तो यहाँ पे प्रॉप रूट्स भी वो सपोर्ट प्रेजेंट करती हैं तो so, अगर क्या होता है हम अगर कोई चीज किसी रेफरेंस में समझ लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में वो फिट बैठ जाती है फिर जब आप कभी भी बात करेंगे प्रॉप रूट्स की तो आपको फटाक से क्लिक होगा कि मैम ने प्ले में प्रॉप्स की बात की थी तो उसका जो आ, जो मोटिव था वो सपोर्ट होता है वो अपनी बात को या अपनी चीज को एविडेंशियल सपोर्ट की तरह प्रेजेंट करना होता है तो बेसिकली प्रॉप रूट का जो मेन फंक्शन है वो भी सपोर्ट या एंकरेज होगा ओके तो आपको बहुत क्लियरली चीजें याद रहेंगी अब हम बात करते हैं मोनोकॉट की मोनोकॉट हमने जब डिस्कशन किया था बहुत लंबा हमने डिस्कशन किया था क्लासिफिकेशन पे तब हमने मोनोकॉट और डायकॉट्स की बात की थी राइट और अभी भी हमने जब पहले बात की थी जब हम एम्ब्रियो की बात कर रहे थे सनफ्लावर की तब भी हमने मोनोकॉट की बात की थी ट मोनोकॉट uh, की नहीं सॉरी तब हमने कॉटेलाइड की बात की थी और एंड मोनोकॉट आर बिकॉज़ मोनोकॉट मोनोकॉट्स क्या होते हैं जिसमें एक सिंगल कॉटेलाइडन होता है सो कोर्स दे आर द ऑलमोस्ट द सिमिलर टर्मिनोलॉजी तो मोनोकॉट का जब हमने जिक्र किया तो मोनोकॉट से डाइकॉट कैसे डिफरेंट होता है पहले तो हमने बात की थी uh, कि सिंपल uh, सी चीज हमने जो डिस्कशन किया था वो ये था लीव विनेशन uh, जो होता है वो डिफरेंट होता है इसका ठीक है तो so, ये बहुत सारी इनमें सिमिलैरिटीज़ uh, होती हैं बहुत सारी इनमें डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं और बेसिक एक जो जब हमने एरेशन की बात की थी आपको याद है एरेशन और विनेशन की हमने बात की थी जब हम इस बारे में पढ़ रहे थे तो आपको बहुत क्लियरली ये याद होगा कि मोनोकॉड्स और डायकॉड्स में जब हम, हम बात कर रहे थे कि इनके बेसिक जो फीचर्स हैं वो क्या क्या डिफरेंट करते हैं तो हमने एक बात की थी जो कि हमने की थी एरेशन और विनेशन के ऊपर तो इसका आंसर जो है वो है बी विनेशन ओके सो आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छे से याद है ये हमने बहुत बार डिस्कशन किया है हमने एनजोस्पर्म जर्मोस्पर्म मोनोकॉर्ट डायकॉर्ट हमने बहुत, बहुत 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 बार हमने इसका जिक्र किया है ओवर एंड ओवर अगेन एंड डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस डिफरेंट सेशंस सो आई एम श्योर यू आर वेरी थ्रू विथ पर्टिकुलर दिस दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर टू यू बाय नाउ अब हम बात करते हैं एंड रेसमोस फ्लावर्स आर अरेंज इन रेसमोस में फ्लावर्स किस तरह अरेंज होते हैं राइट right? एक ये जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स की बात हो रही है इसमें जो फ्लावर अरेंजमेंट है उनके अलग अलग तरह के टेक्निक्स होती हैं अलग अलग तरह से पद्धति होती है अब उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें किस तरह से uh, अरेंज होती हैं तो अब ये बात कर रहे हैं इसमें द किस तरह के हैं वो एक्रोपेटल ऑर्डर है सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो गोल होता है सेंट्रीफ्यूगल मतलब कोई सेंटर में है और उसके आसपास जो अरेंजमेंट है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं लेकिन आप इसमें मत जाइए आप सीधे यहां पे आइए ताकि आपको बहुत आप क्लियरली समझ सकें बेसी पेटल में क्या होता है ग्रोथ जो होती है वो नीचे की तरफ होती है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं और एक्रोपेटल में जो ग्रोथ होती है वो होती है फ्रॉम द रूट टू द एक्सेस टूवर्ड्स दी एक्सेस फ्रॉम द फ्रॉम रूट्स टूवर्ड्स दी एक्सेस राइट तो बेसिकली एक्रोपेटल में फ्रॉम रूट टू वर्ड दैटल में बिल्कुल ऑपोजिट होता है यहां पे जब हम हमरेसमोस की बात करते हैं तो वी नो दैट इट इज एक्रोपेटल इन ऑर्डर ओके ये जो होता है ये एक्रोपेटल होता है ऑर्डर में एक्सेस ऑफ इन इन इनफ्लोरेंसेस इज एक्सेस क्या होता है एक्सेस हमने जो पिछला अभी डायग्राम ड्रॉ किया था इसमें आप समझ गए होंगे एक्सेस किसको कहते हैं अब हम इसमें बात करते हैं कि इनमें से क्या होता है अब क्या वो पेडिसल होता है पेटियोल पेडनकल इसमें से क्या होता है राइट इसको आ, जब हमने पहले पढ़ा था आपने पेटियोल और पेडिसल का डिफरेंस आपको पता है पेडिसल क्या होता है जिससे ये फ्लावर स्टेम से जो कनेक्टेड होता है इसको हम पेडिसल बोलते हैं राइट पेटियोल क्या होता है जो लीव आ, स्टेम से कनेक्टेड होती है तो इन दोनों में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा मिलते जुलते टर्मोलॉजी हैं काफी मिलते जुलते कंसेप्ट भी हैं बट डोंट गेट कन्फ्यूज इन दैट अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की जो बचता है हमारे पास वो है पेडेंसिल राइट पेडेंसिल इसको बोलते हैं जिसको हम हिंदी में नॉर्मल शब्दों में डंठल बोलते हैं राइट डंठल सुना है ना आपने नॉर्मली आप बोलते हैं आप बात करते हैं घर में कि डंठल है या किसी चीज का जो द, जो खासकर धनिए के या किसी हर्ब के हम डंठल की बात करते हैं तो जो डंठल होता है वो होता है पेडंसल और हमारा जवाब भी वही है अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है स्टिल रूट के बारे में अभी जब हम बात कर रहे थे रूट्स की तब हमने स्टिल रूट की प्रॉप तो रूट्स की दोनों की बात की और हम ये बात कर रहे थे कि ज़्यादातर जो रूट्स हैं ये काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं काफ़ी लोग इसको लेके थोड़ा सा उनमें कन्फ्यूजन भी रहता है कि क्या प्रॉप रूट और स्टिल रूट सेम है ओब्बियसली उनारिटीज बहुत हैं लेकिन वो बिल्कुल सेम नहीं होते हैं अभी हम बात करते हैं जब हम बात करते थे ग्राउंड नट की राइस की शुगर केन की वीट की तो हमें ये समझना है कि स्टिल रूट इनमें से किस में पाए जाते हैं ग्राउंड नट तो जब हमने बिगनस सेक्शन किया था आपको याद होगा दे वॉज अ क्वेश्चन ऑन ग्राउंड नट जिसमें हमने डिस्कशन किया था बाकायदा कि वो अंडरग्राउंड लगते हैं उसका जो फल होता है यू कैन गो बैक टू सेशन एंड रेफर टू दी आंसर और आप समझ जाएंगे कि ग्राउंड नट इसका आंसर क्यों नहीं है इसी तरह बाकी चीज़ें भी हम बहुत डिटेल uh, में डिस्कशन कर चुके हैं चाहे वो राइस हो चाहे वीट हो कि किस तरह के प्लांटेशन होते हैं और क्या डिफरेंस इनकी ग्रोथ में जो तरीका है उसमें कैसे डिफरेंस होता है पर जो आंसर यहां पर हमारा है वो है शुगर केन इज द आंसर फॉर अ क्वेश्चन विच हैज स्टिल्ट रूट्स ओके सो नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन व्हिच इज अबाउट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द और ब्रांच अब जो लीव्स पर जो अरेंजमेंट होता है जो स्टेम पे जो, जो जिस तरह से पत्तियाँ लगती हैं या ब्रांच में जिस तरह से पत्तियाँ लगती हैं वो एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है एक पर्टिकुलर नाम होता है उस पर्टिकुलर टेक्निक का राइट उस जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है उसके लिए जिसको बोलते हैं Uh, आपको वेनेशन हमने डिस्कश डिस्कशन किया था एरेशन वेनेशन हम उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं वर्नेशन जो होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है दैट इज़ अबाउट दी बड स्केल्स के बारे में होता है ये अलग तरह की एक टर्मोलॉजी है जब हम यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ते हैं आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं ये जो अरेंजमेंट है राइट right? जैसे इस फूल में इस जो ब्रांच में जो पत्तियों का अरेंजमेंट है वो किस तरह से है इसमें जो है वो वो किस तरह का अरेंजमेंट है और ये किस तरह का अरेंजमेंट है ये जो अरेंजमेंट है ये हर पेड़ का अपना अपना अलग तरह का अरेंजमेंट होता है ये लेकिन ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है और इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को बोला जाता है फाइलोट फाइलोटैक्सी फाइलोटैक्सी इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट uh, को जो नाम है जो टर्मोलॉजी है वो ये है अब वी आर कमिंग टू अनदर क्वेश्चन विच इज डायनामस कंडीशन इज रिलेटेड टू अब ये जो टर्मोलॉजीज आप पढ़ रहे हैं ये थोड़ी सी आपको इसमें से तो आप पढ़ चुके हैं तो आप हटा दीजिए अगर हम बात करते हैं एंड्रीसियम की जिम्नो जाइनोसियम की तो ये हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में बहुत क्लियरली आपको मेंशन किया गया है पेडिसल तो हमने पढ़ ही लिया था जिसको हम बोलते हैं कि डंठल जिसके बारे में हमने पेडिसल होता है सॉरी जहाँ से स्टेम जो है वो फूल से कनेक्टेड होता है तो ये तो हम जानते हैं अब हम जब बात कर रहे हैं एक फ्लार की तो फ्लार के बारे में हम जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि मैंने अभी बताया आपको पॉलिनेशन में हम पढ़ चुके हैं अब इसमें क्या होता है फ्लार के रोल के होल ओल्स के अंदर ये सिस्टमैटिक ऑर्डर में सिस्टमेटिक सीक्वेंस में ये चारों जो एलिमेंट्स हैं ये सीक्वेंस में होते हैं ये एंड्रीसियम जिनोसियम क्रोला और क्लिक्स अब इसमें से जो करोला और क्लिक्स हैं ये बेसिकली एक्सेसरी ऑर्गन्स माने जाते हैं ये बेसिकली एक्सेसरी ऑर्गन्स है राइट right? और ये जो दो ऑर्गन्स हैं ये दोनों ऑर्गन्स, ये अगर किसी फूल में एक साथ होते हैं तो वो बेसिकली बाई होता है अगर ये दोनों पाए जाते हैं तो वो बायसेक्सुअल होता है राइट right? तो अब आई थिंक ये मैं आपको इसलिए यहां पे कंसेप्ट क्लियर कर दे रही हूं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आगे भी पढ़ेंगे जाएंगे और आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब हम फ्लास की बात करते हैं तो हम किस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं या हम उसके रिप्रोडक्शन की जब बात कर रहे हैं तो हम बाइसेक्शुअल या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की हम किस तरह के रिप्रोडक्शन uh, की बात कर रहे हैं अगर ये कंसेप्ट आपको एक बार क्लियर हो जाएगा तो दिस विल बी हेल्पफुल आगे जितने भी हम क्वेश्चन डील करेंगे तो so ये आपको आई एम श्योर यहाँ पर बहुत क्लियर हो गया है नाउ गेटिंग बैक टू आर क्वेश्चन डायनस कंडीशन इज रिलेटेड टू कौन से इनमें से वो है जिनसे कंडीशन रिलेटेड होती है एंड फ्लोरेंस से बिल्कुल नहीं होती है बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद दैट एट ऑल हियर इट इज वी आर डीलिंग विद एंड्रीसियम ओके सो आई एम श्योर दिस इज वेरी क्लियर टू यू ये आपको बहुत क्लियर हो गया है अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एंड्रीसियम इज अ वोल ऑफ अब अगेन जो मैंने आपसे कहा एंड्रीसियम इसी वजह से मैंने आपको बहुत क्लियरली वो बता दिया था अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चार वॉल्स में वो होते हैं राइट right? हमने बता दिया था सिस्टमैटिक ऑर्डर में होते हैं और सिस्टमैटिक सीक्वेंस में होते हैं और एंड्री एंड्रीसियम इज ऑफ स्टेम ओके सो नाउ दिस इज क्लियर टू यू इसके बाद यहां पर ये यह भी दिया गया है आपको क्लियर हो जाएगा We are now, when we are talking about endresium, yeah, gymnosium. जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपको बहुत क्लियरली पता हो जाएगा अब कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लार ओके जब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं तो बात आ जाती है जब सीधे सीधे कुछ कंसेप्ट बहुत क्लियर है राइट जब हम पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम फ्लास की बात कर रहे हैं हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो भी हम फ्लास की बात कर रहे हैं तो ये दो तीन कंसेप्ट जो है आपको बहुत क्लियर होना चाहिए जब हम कोरोला की बात कर रहे हैं तो हम फ्लास की बात कर रहे हैं जब हम हम एंथर्स की बात कर रहे हैं स्टेम्स की बात कर रहे हैं सेपल्स की बात कर रहे हैं तो भी हम फ्लास की बात कर रहे हैं इसी तरह जब हम एनड्रीसीम की बात कर रहे हैं या जिमने जिम, जो, या जिमनेसियम की बात कर रहे हैं जो कि हमने पहले किया हुआ था यहाँ पे जाइनोसियम की बात कर रहे हैं सॉरी तो भी हम फ्लास की बात कर रहे हैं जब हम आ, करोला की बात कर रहे हैं वो मैं बोली चुकी हूं तो so, कुछ कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए द डिफरेंस जैसे ही आपको नाम लिया जाए आपको क्लिक होना चाहिए कि प्लांट के इस हिस्से के बारे में हम बात कर रहे हैं जैसे ही वो आपको हिस्सा क्लियर होगा तो आपको कंसेप्ट भी अपने आप क्लियर हो जाएंगे सो आई एम श्योर नाउ यू नो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ स्टेम जो कि आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं नाउ साइना अगेन वही word आ गया है जिम्नोसियम has two टू और मोर अब ये जो कंसेप्ट है ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है बॉटरी में इसकी बहुत ज्यादा अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे क्योंकि काफी इलाबोरेट कंसेप्ट माना जाता है जो कि रिप्रोडक्शन का पार्ट है फ्लार, फ्लार, फ्लोरल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ओके पर हम यहां पर बात कर रहे हैं सनकैरप्रुस जाइनोसियम की उसमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं एक दो या ज़्यादा क्या होते हैं फ्री कार्पल्स होते हैं फ्यूज कापल्स होते हैं या फ्री ओवरीज होती हैं इनमें होती हैं बेसिकली फ्यूज कापुल्स फ्री ओवरीज नहीं होती हैं फ्री कापल्स भी नहीं होते हैं फ्यूज होते हैं ये आपस में राइट right? इसलिए इस पर्टिकुलर उसमें कंसेप्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो आपको कार्पल्स का मतलब क्लियर होना चाहिए आपको ओवरीज का मतलब क्लियर होना चाहिए आपको जो डिफरेंट हम बात करते हैं ओवरीज की या हम बात करते हैं डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं जो आपके रिप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं डिफरेंट ऑर्गन हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए जैसे हमने वहां पर बात की थी क्लिक्स uh, की या क्रोला uh, की जो कि एक्सेसरी ऑर्गन है उसी तरह बाकी सारे भी ऑर्गन होते हैं और आपको वो बहुत क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए अगर नहीं भी है इज़ ओके आप उसको याद कर सकते हैं बट इट इज बेटर दैट आपके थोड़े बहुत आपके जो बेसिक फंडामेंटल रहे आप विद सुपीरियर ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट इनफीरियर स्कॉल्ड जब आप इसको देख रहे हैं तो उसको बेसिकली मैं आपको जवाब दे देती हूं उसका जवाब है हाइपो गाइनस ओके दंसर इज बी हाइपो गायनुस नाउ जो बेसिक क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं वो एक ही कंसेप्ट से रिलेटेड है विच इज अबाउट द रिप्रोडक्शन अरेंजमेंट ऑफ व्यूज विद इन ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स इनफीरियर कॉल्ड अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो भी उसी से रिलेटेड था दोबारा जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसी का सेकंड पार्ट है आप मान सकते हैं वो हम बात कर रहे हैं अब हमने इससे पहले जब भी हमने स्लाइड्स चलाई थी तब हमने ये पर्टिकुलर वर्ड पढ़ा था प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन और मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था क्यों नहीं किया था क्योंकि ये आगे आने वाला था आई न्यू इट So, अब यहां पे आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स होता है विद इन ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट इनफीरियर को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन ओके सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया प्रेजेंटेशन के बारे में अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे व्हेन जाइनोसियम इज प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ थैलम थैलमस द ओवरी इज नोन एज थालमस अगेन uh, जब हम बात कर रहे थे सीक्वेंस की जब चार ओल्स की बात चार वोल्स की बात की थी हमने फ्लार की तब हमने ये जो है वो उसी चीज को उसी कंसेप्ट को उसी वॉल्स के जो वो होता है जो स्टेम होता है उसको बोला जाता है और अब हम बात कर रहे हैं ओवरी की जाइनोसियम इज प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ थालमस द ओवरी इज नोन एज सुपीरियर अभी हमने पहले भी बात की सुपीरियर ओवरी की राइट right? तो अभी हम उसी के बारे में आगे बढ़ रहे हैं और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम बोलते हैं यहां पे ओवरी को ये सुपीरियर ओवरी होती है ओके ट्रू कंटेन्स अब प्लांट की जब हम अब अब हम आते हैं अब फाइनली हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे निकल के हम आते हैं फ्रूट्स के ऊपर और जो एडिबल पार्ट्स है फ्रूट्स के उसके ऊपर अब इनकी जो लेयरिंग होती है फ्रूट्स की वो अलग होती है वो भी हम आगे मैंगो के उस पर रेफरेंस पे समझेंगे ये तीन पार्ट जो होते हैं फ्रूट्स के इनके अलग अलग नाम होते हैं इनमें से जो एडिबल पार्ट होता है उसका अलग नाम होता है जो उसका सेंटर होता है उसका नाम अलग होता है जो ऊपर की स्किन होती है उसका नाम अलग होता है और वो हमने बिग्न में भी एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर में अटेंड किया अटेम्प्ट किया हुआ है कि जो राइपन फ्रू फ्रूट्स हैं जो ख़राब होने लगते हैं सड़ने लगते हैं तो उसमें क्या होती है प्रॉब्लम वो खैर जो हमने डिस्कशन किया था वो हमने आउटर लेयर जो नाम के हिसाब से किया था जो लेयरिंग होती है वो किस तरह की होती है इन पर्टिकुलर टर्मोलॉजी की अब हम बात करते हैं ट्रूप में स्टोनी एंडोकाप होता है राइट right? इसका जो एंडोकार्प होता है जो कि सबसे अंदर का हिस्सा होता है वो स्टोनी होता है राइट right? जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं एरिबल एपिकाप नहीं है एरिबल एंडोकाप नहीं है एपिकाप ऊपर का होता है मेसोकाप बीच का होता है एंडोस्काप अंदर का हिस्सा होता है ओके प्लांट विच बिलोंग टू ये आपको पता होगा जब हम लेग्यूम्स पल्सिस की बात कर रहे थे ये टर्म हमने तब डिस्कस किया था क्या वो फेब्रिस होते हैं क्या वो लिलिसे होते हैं क्या वो मेलविसे होते हैं क्या वो सोलनसे होते हैं अब इसको जब हमने डिस्कस किया था कि वो प्लांट जिसमें पल्स होती हैं या लेग्यूम्स होते हैं वो बेसिकली लिलिसे को बिलोंग करते हैं ओके okay, ये आपको याद होगा जब हमने लेग्यूम्स के बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था तब हमने ये डिस्कस किया हुआ था एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो जैसे कि मैंने आपसे कहा था जब हम ड्रुप के बारे में पढ़ रहे थे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फुल लेंथ हालांकि मैंने आपको उसके बारे में बाद में बता भी दिया था पर आपको यहाँ पे देख के शायद वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये जो ऊपर की स्किन होती है ये होती है एक्सो ये जो अंदर की होती है ये होती है मेसोकाप ये जो अंदर का हिस्सा होता है ये होता है एडोकाप और एक इसमें और होता है जिसको हम बोलते हैं एडी ठीक है इसके अलावा अब इसका जो है जो खाने वाला हिस्सा है ऑब्वियसली मैंगो का आपको मालूम है कि हम इसकी गुठली जो है वो हालांकि लोग ऊपर ऊपर से खाते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है राइट गुठली में जो है पहले के बच्चे जो थे वो सबसे ज़्यादा पता है आपको गुठली खाने के लिए लड़ते थे क्यों क्योंकि गुठली में वो कहते थे कि सबसे ज़्यादा जो उसका जो पल्प है जो गूदा है मैंगो का वो सबसे ज़्यादा जो है वो गुठली में होता है तो बच्चों में पहले बड़ी लड़ाई होती थी गुठली खाने के लिए हालांकि उससे हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं बट हु माइंड गेटिंग हर हैंड यू हैविंग अ मैंगो बट अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि क्या उसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है कई लोग उसका एक्सो का भी खा लेते हैं यू नो दैट कई लोग जो अंदर का हिस्सा खाते ही खाते हैं ऊपर का जो छिलका है मैंगो का वो भी खा लेते हैं और कई लोग काफी शौकीन भी होते हैं इसके इसको आप उनको मैंगो खाने के दीजिए आपने उसके फाक काट के दी पता चला पूरा, पूरा पूरा फाक भी नहीं है ऊपर का जो उसका छिलका है वो भी नहीं है वो उसके सहित मैंगो खा लेते हैं ओके बट खैर इसका जो हिस्सा खाया जाता है वो होता है मैसो राइट बीच का जो हिस्सा है वो खाया जाता है अब हम आ जाते हैं दूसरे में अभी हमने अभी जस्ट हमने प्रेजेंटेशन की बात की थी और हमने समझा था कि वो कंसेप्ट किसको बोलते हैं किस चीज़ के लिए यूज होता है या किस टर्मिनोलॉजी के लिए हम आ, का जो शॉर्ट फॉर्म है या नाम है वो प्रेजेंटेशन है जस्ट हमने दो स्लाइड पहले अभी वो डिस्कशन किया था तो आई एम श्योर कि वो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद है अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन इन सलेंसीज की क्या किस तरह का प्रेजेंटेशन इसमें होता है वो बेसिकली होता है एक्साइल कुछ टर्मोलोजीज जो है ना अगर आप उसको प्लांट किंगडम में याद कर लेते हैं अगर आप उसके कंसेप्ट पढ़ लेते हैं जैसे आपने रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट पढ़ लिया आपने फोटोसेंसोसिस का प्रोसेस पढ़ लिया आपने जर्मिनेशन का पढ़ लिया आपने कॉटलाइडेंस का पढ़ लिया राइट आपने जो ये सोलिनसीज लिलियंसीज ये जो है ये अगर आपने पढ़ लिया तो दिस कंसेप्ट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड जो क्वेश्चन हैं वो इसमें से बनते हैं थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल के बिगनर्स में ये ज़्यादा नहीं होते पर मीडियम डिफिकल्टी लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर इसी तरह के उससे बनते हैं तो खैर अभी हम बात कर रहे हैं फिलेंसीज में ये एक्साइल होता है ओके इसके बाद हम आते हैं कोकोनट इज विच टाइप ऑफ फ्रूट ये कौन से टाइप का फ्रूट होता है आपने ये बिगनर लेवल में पढ़ा था कि हम कोकोनट का कौन सा हिस्सा खाते हैं राइट कौन सा पार्ट है कोकोनट का जो एडिबल होता है अब हम ये पढ़ रहे हैं कि किस किस्म का फ्रूट होता है और ये होता है ड्रूप ओके okay? अभी आपने पहले जब मैं आपको बता रही थी कि ड्रूप का एक पर्टिकुलर उसका जो अंदर का जो भाग है कौन सा था वो स्टोनी था वो कौन सा जो उसका हिस्सा था वो स्टोनी था आपको उसके एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया था इसलिए अब आपको ये बात भी समझना आसान होगी कि, कि कोकोनट जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है अब आते हैं कील इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कील जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है या वो एलो का होता है टोमेटो का होता है इंडिगो फेरा का होता है या ट्यूलिप का होता है तो ये इंडिगो फेरा का कैरेक्टरिस्टिक होता है हमने ट्यूलिप के बारे में एलो के बारे में या टोमेटो के बारे में तो कभी नहीं सुना वेन वी टॉक अबाउट कील बट वी हैव हर्ड द रेफरेंस बट वी हैव हर्ड टर्म इन रेफरेंस टू कील इज इंडिगो फेरा ग्राम बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ अगेन ये तीन शब्द चार शब्द आ गए राइट right? अगर आप इनके बारे में पढ़ लेते हैं तो भी आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आप इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे और ये हमने कहीं ना कहीं पढ़े भी हैं तो आपको बहुत नया नहीं होगा और अभी जस्ट अभी हमने जब पल्सेस का डिस्कशन किया था तब हमने इसके ऊपर भी डिस्कशन किया था कि जो पल्स हैं वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करती हैं वो फैमिली को बिलोंग करती थी लेलियासी की और ये जो है ये करती है की. Okay. So, now, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे फिर ग्राम बिलोंग टू फैमिली, अगेन आप ही चार टर्मोलॉजी पे आ गए ग्रामिनी फेबेसी एंड सिलानसी अब अगर आप ये टर्मोलॉजी भी याद कर लेंगे जैसे कि हमने वो फ्लारिंग वाली याद की थी जिसमें हमने चार नाम याद किए थे उसके अलावा हमने कोरोला के बारे में बात की थी क्लिंग्स के बारे में बात की थी और हम ये समझ गए थे कि थैलमस जो होता है वो स्टॉक की या स्टेम की बात करते हैं तो हम उसको थैलमस भी बोलते हैं या जब हमने ये बात की थी कि जिसमें सिंगल कार्पल होता है वो जिसमें दोनों होते हैं वो जो होते हैं वो बाइसेक्शुअल्स होते हैं और जिसमें सिंगल कार्पल होता है या सिंगल जो हाँ एग्जैक्टली exactly, सिंगल कार्पल होता है वो यूनिसेक्शुअल होते हैं जैसे हमने वो कंसेप्ट क्लियर कर लिया था तो अब हमको आगे कोई भी क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं होगी वैसे ही अगर आप यहाँ के कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ मैं आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो वैसे हमने इसको डिस्कस किया है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं ग्रामिनी आप बेसिकली मोटा मोटा समझ लीजिए इज रिलेटेड टू ग्रास फेबसी बेसिकली जहां पर हम ज्यादा बात करते हैं लेग्यूम्स या पल्सेस या बीन्स की इस तरह की चीजों में ऑफकोर्स हमने इसके लिए एक अलग पर्टिकुलर टर्म भी होती है जो हमने डिस्कशन किया था ये बेसिकली रिलेटेड टू लिली राइट लिली से रिलेटेड होती है सब ट्रॉपिकल में ज्यादा होती है एक जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर पाया जाता है और इसकी अप्रोक्सिमेटली सिक्स थर्टी फाइव जो हर्ब्स हैं स्पीशीज हैं वो तकरीबन इसकी मानी जाती हैं हर्ब्स में या श्रब्स में फाइन हम बात कर रहे हैं ललियासी की अब हम बात करते हैं इसको बेसिकली बोला जाता है नाइट शेड और इसके अंदर भी बहुत सारे श्राप्स uh, ट्रीज और बहुत सारी वेराइटीज आ जाती हैं ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो अगेन जैसे कि हम इसको आगे जो पढ़ेंगे अगर आगे ये कभी आता है तो हमें बहुत ज्यादा टाइम उस टाइम पे नहीं लगाना पड़ेगा इसको बार 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 डिस्कस करने में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी वाइड डेफिनेशन इसके और भी बहुत सारे इसके जो कम्पोन uh, हैं वो बहुत सारे होते हैं जो उसके और इसके अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं वो अलग होती हैं इसके और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ वाइड कंपोनेंट ताकि आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए ताकि हम जो इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको उसमें क्लैरिटी बनी रहे ओके अब इसका जब जवाब है वो बेसिकली अब ग्राम फैमिली बिलोंग्स टू फीबीएससी ओके okay, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए अब हम आगे बढ़ते हैं जिंजर इज जिंजर की जब हम बात करते हैं हमने डिस्कशन किया था जब हम बात कर रहे थे टर्मरिक की जिंजर की तब हम ये डिस्कशन कर चुके हैं अगेन दैट इज एम नॉट स्टिंग टू इट स्टिकिंग टू इट जिंजर इज स्टेम दिखती वो रूट जैसी है लेकिन वो रूट नहीं होती वो स्टेम होता है ओके okay? अब न्यूमेटोफोर्स टेक पार्ट इन न्यूमैटोफोर्स किस में पार्ट लेते हैं इनमें से कौन सा जो बेसिक जो बॉडली फंक्शंस होते हैं जो बेसिक फंक्शंस होते हैं प्राइमरी फंक्शंस होते हैं प्लांट के भी उनमें से ये कौन सा फंक्शन है जिसमें न्यूमैटोफोर्स पार्ट लेते हैं अब आप इसको समझ सकते हैं रेस्पिरेशन का पार्ट किस तरह से होता है जब हमने इसको डिस्कशन किया था ये मिट्टी है मिट्टी के अंदर पेड़ जो है पौधा लगा हुआ है उसको किस तरह से वो लेता है रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है आप समझ गए कि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं प्लांट ये तो हमें जनरली भी पता है राइट right? कि हम इस वजह से हम कहते हैं कि हमें प्लांटेशन जो है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन जो है बेसिकली एक्सेल करता है प्लांट आई एम सॉरी मैंने गलत बोला एक्ेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है तो हमें जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो हमें पेड़ों से मिलती है और वो उसका रेस्परेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस से बिल्कुल ऑपोजिट है इन फॉर्म ऑफ जो गैसेस वो इनहेल करता है हम एक्सल करते हैं और जो वो एक्सेल करता है हम इनहेल करते हैं तो वी आर ट्री टूच अदर इन दैट सेल्स अब हम बात कर रहे हैं किस तरह की ये ओ टू वाटर एनर्जी ऑक्सीजन ग्लूकोज किस तरह से जो साइकिल है इसकी वर्क करती है राइट तो अब हम ये बात समझ गए हैं कि हम जब हम बात करते हैं न्यूमेटोफोर्स की न्यूमेटोफोर्स बेसिकली अ, जब ये कुछ टर्मिनोलॉजी अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको वैसे ही उसकी मतलब समझाया जाएगा राइट ये हम बात करते हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड तो ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन का इंसानों में भी आपने पता है ना निमोनिया होता है तो क्या हिट करता है सबसे पहले आपके लंग्स ओके okay? तो so, कुछ कुछ चीजें आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं ताकि आपको आगे चल के जब आप रिलेट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी न्यूमेटोफोर्स जो है वो प्लांट में किससे होता है रेस्पिरेशन से और निमोनिया जो इंसानों में होता है वो लंग्स की वजह से होता है तो आप उसको दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि दोनों ही रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं अब हम बात करते हैं कैक्टस अब हम आते हैं कैक्टस के बारे में कैक्टस के बारे में भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कैक्टस बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्लांट होता है नॉर्मली लोग उसको घर पे लगाना पसंद नहीं करते क्योंकि उसको थोड़ा सा ऐसा माना जाता है आजकल लोग वास्तु वगैरह में काफ़ी पड़ गए हैं ना तो लोग कहते हैं कि उसको लगाना अच्छा नहीं माना जाता ड्राई एरिड एरियाज़ में जहाँ पे कोई चीज़ बस्ती नहीं होती है जहाँ पे कोई रहता नहीं है बड़ी मुश्किल हालात होते हैं वहां में वो उगता है इसलिए लोग उसको लगाते नहीं हैं लेकिन मुझे तो वो पर्टिकुलरली पर्सनली बहुत पसंद है बेचारा इतने हार्श वेदर में इतनी मुश्किल कंडीशन में भी सर्वाइव करता है पर खैर अभी हम बात कर रहे हैं कैक्टस में कि उसकी जो स्पाइंस हैं हैं वो बेसिकली क्या होती है? हमने जब डिस्कशन किया था मॉडिफाइड स्टेम्स का मॉडिफाइड रूट्स का तब हमने ये डिस्कस किए थे कि जो कैक्टस की जो स्पाइन होती है वो बेसिकली एक मॉडिफाइड लीफ होती है मॉडिफाइड लीव वो कैसे होती है कि वो बहुत सारे प्रोसेसेस भी कर लेती है उसके अलावा इसके बहुत सारे प्रोसेस और होते हैं दिन के टाइम के प्रोसेस अलग होते हैं और जैसे मैंने कहा क्योंकि ये डेजर्ट एरियाज में लगता है हॉट एंड एयरट कंडीशंस में लगता है तो इसके रात के प्रोसेसेज अलग होते हैं दिन में इनमें कांटे जैसे होते हैं तो ये अपनी जो पेड़ पौधा जो है उसकी जान को बचाते हैं कैसे बचाते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं जो बाकी जहाँ पे घूमते हुए जो जानवर हैं वो उनको आके खाते नहीं हैं उसके अलावा जो ये जो हीट है उसको रेडिएट करते हैं इस टाइम के थ्रू और रात के टाइम पे क्या करते हैं ये मॉइस्चर कलेक्ट करते हैं जो मॉइस्चर है उसको जो है वो ट्रैप करते हैं कंडेंसेशन में और उसमें और वो कूल cool करते हैं प्लांट का जो टेम्परेचर है उसको वो सर्वाइवल में हेल्पफुल होते हैं तो इनका जो बहुत सारे जो प्रोसेस हैं वो करते हैं और जो चीज़ें हमने कहा था जो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं एडेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको उन पर्टिकुलर पार्ट्स को चाहे वो स्टेम्स हों चाहे लीव्स हों चाहे रूट्स हों उनको हम मॉडिफाइड बोलते हैं तो दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ अ मॉडिफाइड लीव ओके नाउ लेट्स गेट टू अंदर वन वी आर टॉकिंग अबाउट डायडेल्फिस आर फाउंड इन डायडल्फिस स्टेम किसमें पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं पी में ओके okay? पर्टिकुलर स्टेमिन है एक तरह की स्टेमिन है वी आर टॉकिंग अब पर्टिकुलर स्पीशीज नाउ सिंस वी आर गोइंग फॉर लिटल टफर थिंग जब हम इंटरमीडिएट में जा रहे हैं उसके बाद हम अचीवर्स में जाएंगे तो बहुत आसान कहानी नहीं होने वाली है जैसे विग्नस सेक्शन में थी थोड़े मुश्किल मुश्किल टर्मोलॉजी थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट आएंगे पर आपको उनसे बिल्कुल नहीं घबराना है जो चीजें आप समझ सकते हैं जैसे कि मैंने आपको समझाया दो तीन कंसेप्ट आप मोटे मोटे वो कंसेप्ट समझ लीजिए तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको उसी में सॉल्व हो जाएंगे जो कंसेप्ट हमने कवर नहीं किए हैं उसमें भी जैसे आप कुछ रूट्स के बारे में समझ लीजिए कुछ मॉडिफाइड पार्ट्स के बारे में समझ लीजिए कुछ फ्लोरल पार्ट्स के बारे में समझ लीजिए कुछ सेक्सुअल प्रोडक्शन री री सॉरी री सेक्शुअल प्रोडक्शन और सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में समझ लीजिए प्लांट्स के इस तरह के अगर आप कन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ों को समझने में उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी और कुछ कंसेप्ट कुछ नाम टर्मनोलॉजीज जैसे जिनको हमें समझने का कुछ नहीं है हमें याद ही करने पड़ते हैं वो हम एज़ इट इज़ याद कर लेंगे ऑफकोर्स कुछ चीज़ों को तो रटना ही पड़ता है उनको को रटने के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास कोई होता नहीं है राइट अगर हम किसी चीज़ की डेफिनेशन है तो वो तो हमें रटनी पड़ेगी उसका अब हम कोई उसमें कोई इनोवेशन या कोई टेक्निक नहीं लगा सकते कि यार इसको कुछ अपन किसी और तरह से समझते हैं कुछ चीज़ें रट्टाफिकेशन से ही आती हैं बट हर चीज़ रट्टाफिकेशन से सीखने की नहीं होती तो सीखने की नहीं होती वो हम कंसेप्ट रख लेते हैं और जो चीजें पे हमें समझ में नहीं आती हमें याद ही करनी पड़ती हैं उसके पास और कोई चारा नहीं है बाय होक और बाय क्रोक तो हम उसको याद कर लेते हैं वैसे ही कुछ इस तरह के भी कंसेप्ट हैं इस तरह के भी नाम हैं आप इनको याद कर सकते हैं जैसे यहां पर ये है, कि स्टेम, है में पाई जाती हैं पी में पी किसको बोलते हैं अभी अभी ठंड का मौसम है ये बड़ा पसंद होता है सबको हमें घरों में भी बहुत पसंद आता है हम बहुत इसको बघार के खाते हैं या फ्राई करके खाते हैं और बहुत बहुत सारी सब्जियों में आजकल यूज होता है और इस मौसम में इसको खाना बहुत बेनिफिशियल भी होता है हम बात कर रहे हैं हरी मटर की अब फ्लावर्साइल इन अब अगेन हम फ्लावर्स पे आ जाते हैं फ्लावर्स आर सिसाइल इन ये आ, बेसिकली कुछ टर्मनोलॉजीज हैं जो थोड़ी सी आपको अलग सी लग रही होंगी ये आ, आ, जिसको हम कहते हैं ना हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको डिस्कशन नहीं किया है और बहुत ज़्यादा डिटेल में आप भी मत जाइए आप ये समझ लीजिए कि जो फ्लार जो होते हैं वो सिसाइल होते हैं स्पाइक में स्पाइक आप यहाँ देख सकते हैं स्पाइक मैंने आपको बिगनर सेक्शन में भी बताया था कि क्या होते हैं स्पाइक्स आर विद द पॉइंटेड नीडल लाइक पॉइंट नीडल लाइक पॉइंट होते हैं उसके ओके अब हम आते हैं एडिपल इनफ्लोरेंसेंस इज एडिपल इनफ्लोरेंसेंस क्या होता है एडिबल कोई चीज क्या होती है जो हम खा सकते हैं कंज्यूम कर सकते हैं अब इनफ्लोरेंसेंस एडिसल एडिबल कौन सा होता है अब वो होता है ब्रेसिका ओलेरेशिया ओलेरेसिया ओके इसका एक और नाम होता है जो कि कॉमनली यूज है वो नाम आप देखेंगे और आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे नाम मैंने आपको बताए हैं अब एक नाम आप मुझे बताएंगे ओके नंबर फीमेल फ्लावर इन साइथियम इज कितने फीमेल फ्लावर्स होते हैं साइथियम में ओके okay? इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे बने हुए जो कि बहुत क्लियरली तो नहीं दिख रहे हैं शायद यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ये लिखा हुआ है एंथर ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ग्लैंड ये जो पार्ट है अंदर वाला इसको बोला जाता है फिल्मेंट ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है साइटोफिल साइटोफिल साइथोफिल ये होता है स्टाइल ये होती है ओवरी और ये होता है पेडिसल पेडिसल ओके अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर इन इज वन ओके और इसके जो पार्ट्स हैं वो इस तरह से हमने डिस्कशन कर लिया है उसके ऊपर अब हम बात करते हैं करियोप्सिस फ्रूट फाउंड इन ये एक तरह का फ्रूट है जो कि फाइंड किया जाता है कौन सी प्रजाति में या कौन सी स्पीशीज में हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो मुझे आपको इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है या आप देख के ही समझ गए हैं कि यहाँ पे गेहूँ की बालियाँ रखी हुई हैं या गेहूँ रखा हुआ है और गेहूँ होता है व्हीट जिससे हमारे घर में बनती हैं रोटियाँ और जो कि खाने में बहुत जरूरी होता है जिसमें बहुत सारा फाइबर होता है और जिसमें बहुत सारा काप भी होता है लेकिन वो खाने में हमारा जो बेसिक खाना है वो दाल चावल रोटी सब्जी के बिना कंप्लीट नहीं होता तो आपको ये एक हम्बल सी जानकारी थी हमारे अपने हम्बल वीट के बारे में ओके नाउ लेट्स कम टू अनदर थिंग अब हम बात करते हैं फ्लोरल ऑर्गन्स अराइज फ्रॉम फ्लोरल ऑर्गल्स जो हैं वो अराइस कहाँ से करते हैं या कहाँ से शूट होते हैं या कहाँ से निकलते हैं और फ्लोरल ऑर्गल्स जैसे कि आप बात कर सकते हैं वो कहाँ से आते हैं क्या वो मदर एक्सिस से आते हैं क्या वो थैलमस से आते हैं क्या वो रूट से आते हैं क्या वो पेडल से पेडसिल से, से आते हैं अब हम जब बात कर रहे थे स्टेमन की उस टाइम पे हमने डिस्कशन किया था जब हमने बाकी सारे फ्लावर्स के और उसके रिप्रोडक्शन की बात की थी तब हमें उसके कंसेप्ट हमने बहुत क्लियरली पढ़े थे और हमने कहा था उसका एक जो नाम होता है स्टेमन का उसका जो नाम होता है फ्लोरल ऑर्गन्स का उसके हमने बात की थी वो कहाँ से आता है स्टेम से जिसका नाम जिसको हम थैलमस भी बोलते हैं ओके तो वो कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा अब पैपस इज मोडिफिकेशन ऑफ पैपस मोडिफिकेशन काहे का है ओके okay, अब ये क्या ये क्लिक्स का मोडिफिकेशन है और ये अगेन रिप्रोडक्टिव माना जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है फ्लावर में पाया जाता है और इसमें हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि क्लिक्स हुआ या फिर क्रोला हुआ ये दोनों और भी कौन से होते हैं आपको याद होगा हमने इसमें बहुत सारा डिस्कशन किया था कि ये एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं एक फ्लार में ओके मॉडिफिकेशन ऑफ क्लिक्स का जो मॉडिफिकेशन है उसको बोला जाता है पैपस इट अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्लूमिन्स रिप्रेजेंट ग्लूमिन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं क्या वो इसमें से स्टेमन पेटल्स सेपल्स ब्रैक्ट अभी जो बात कर रहे हैं हम अगेन हम आ गए हैं फिर से लौट के घूम फिर के हम आ गए हैं फूलों पर और फिर हम एक कंसेप्ट ले आए हैं कि ये जो है ग्लूमस वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं और आपको हम आ, बता दें कि रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैक्ट्स को ब्रैक्ट्स हमने बहुत सारे कंसेप्ट में पढ़ा अभी जब हमने बोगन वेलिया पढ़ा तब हमने ब्रैक्ट्स के बारे में पढ़ा एक जो हमने बहुत सुंदर से एक फूल के बारे में पढ़ा था जो कि हमने बिगनर सेक्शन में पढ़ा था वो भी हमने ब्रैक्ट्स के बारे में पढ़ा था जो कि बहुत ही सुंदर है जो कि बनाना जैसा दिखता है लेकिन बनाना नहीं है वो फूल जो है आपको याद होगा हमने लास्ट लास्ट में पढ़ा था कि बनाना जैसा लगता है काफी लंबा होता है और उसमें हैंड्स ऑफ बनाना जैसा फील होता है वो लेकिन उसके जो कलर्स हैं वो ऑटमल कलर्स हैं याद आया आपको अब वो भी हमने डिस्कशन किया था कि वो बेसिकली फूल नहीं है वो ब्रैक्ट है और उस ब्रैक्ट्स के अंदर से फूल जो है वो अंदर उसके छुपे हुए होते हैं लेकिन उसके ब्रैक्ट्स ही इतने सुंदर होते हैं कि वो फ्लास की लिस्ट में नंबर अपना घर बनाने के लिए काफी थे अब वो कौन सा पेड़ था कौन सा फूल था जिसके बारे में हमने बात की थी हमने वियर्ड फैक्ट अभी अभी किए हैं आप जाइए टूवर्ड्स सेशन आपको उसका नाम मिलेगा और आपका वो सेशन भी इसी वजह से इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा ओके okay, तो ग्लूम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैक्ट को अब हम आते हैं दूसरे पे द टिश्यू विच अटैचे इज हम ले दे के घूम फिर के अभी फ्लास के आसपास ही मंडरा रहे हैं जैसे भवरे फ्लास के आसपास मंडराते हैं वैसे अभी हम भी फ्लास के आसपास मंडरा रहे हैं और हम फिर से आ गए हैं ओव्यूज़ के ऊपर जो कि ओवरी के अंदर पाए जाते हैं और अब हम बात कर रहे हैं थोड़े से और डिटेल में जाके कि वो कौन सा टिश्यू है जो कि अटैच होता है ओव्यूज से इनसाइड द ओवरी और उस पर्टिकुलर टिश्यू का नाम होता है प्लेसेंटा ये प्लेसेंटा अगर आपने ह्यूमन ओवरीज की या ह्यूमन आपने प्रेगनेंसी में भी या आपने टर्मोलॉजी सुनी होगी अगर आपने घर में अगर आप इसके बारे में जैसे हम ये हम आगे एनिमल किंगडम में जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये प्लेसेंटा इवन ह्यूमन में भी होता है ह्यूमन बॉडी के बारे में भी बात की जाती है प्लेसेंटा की और वही एक अंदर जब हम बात करते हैं इसी तरह का एक कंसेप्ट है जो कि आप टिश्यूज जो है टिश्यू के फॉर्म में वो होता है और में जो अटैच होता है ओव्यूज अटैच होता है ओवरी के अंदर तो कुछ कंसेप्ट जो है अगर आप उसको इंसानों से रिलेट करके पढ़ेंगे प्लांट्स किंगडम में भी तो आपको वो ज्यादा आसानी से आपके दिमाग में बैठेंगे और आप ज्यादा आसानी से उनको एब्सॉर्व कर पाएंगे एसिबलेट कर पाएंगे वो जानकारी और वो ज्यादा टाइम तक आपके साथ रहेगी ओके ओके और यस वन मोर थिंग जब मैं आपको कोई रेफरल देती हूँ जैसे मैंने प्रेसेंटा का जो रेफरल आपको दिया है वो मैंने आपको दिया है इसलिए ताकि आपको एक कंसेप्ट याद रहे आपको एक शब्द याद रहे राइट प्लेसेंटा ह्यूमंस में जो होता है वो एक ऑर्गन होता है जो एम्ब्रियो में डेवलप होता है प्रेगनेंसी के दौरान और यहाँ पे ये बेसिकली एक टिश्यू है नाम इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि मैम जो है वो एक ही चीज़ बोल रही है ह्यूमन्स में भी वो टिश्यू के फॉर्म में पाया जाता है ऐसा नहीं है ह्यूमन्स में बेसिकली ऑर्गन है जो ड्यूरिंग द द टाइम ऑफ गेस्टिकुलेशन या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी डेवलप होता है ओके okay? ये सिर्फ आपको कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए है ताकि आपको जो आपको इंटर रिलेशन में और इंटर लिंक्स में नाम याद रहे चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पे अब हम आते हैं फोर लॉन्ग एंड टू शॉर्ट इन अब ये नया आ गया फिर से ये दो तो हमने बाकी ये दो तो पढ़ लिए थे अब ये दो नए आ गए ये तो आपको याद है ना इसके बारे में हमने बात की थी दोनों के बारे में अभी जस्ट दो तीन स्लाइड्स पहले ही हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था तो ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे अब हम आ जाते हैं इन पे कि ये दो क्या नई बनाए हैं ओके तो इसके बारे में भी हम बहुत बेसिक सा पढ़ते हैं बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपको क्लियर कर देती हूं मैं इसमें बहुत डिटेल में अगर आप जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे तो आप मत जाइए ये जो है जैसे ये जो है ये बेसिकली मस्टर्ड फैमिली से रिलेटेड है या कैबेज फैमिली भी कह सकते हैं इसको राइट right? या कैबेज फैमिली से रिलेटेड मान लीजिए इसको और इसको आप मान लीजिए फ्लावर्स से इसको मान लीजिए आप और ज्यादा जो वेराइटी ऑफ फ्लोरल है आप इसको मान लीजिए सनफ्लावर फैमिली से राइट दिस इज अ वेरी वाइड कंसेप्ट ओके इसके अलावा इसके बहुत सारे फीचर्स बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम मैं आपको सिर्फ डिफरेंस समझाने के लिए बता रही हूं ये जो है ये इससे रिलेटेड है और ये मस्टर्ड फैमिली से रिलेटेड है इससे ताकि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए और आप इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो ओके okay, चलिए अब हम आंसर डिस्कस करते हैं कि वो कौन से हैं जिसमें फोर लॉन्ग एंड टू शॉर्ट स्टेमेंट्स फाइंड होते हैं क्या वो एस्ट्रसी हैं या वो ब्रेजियासीज हैं और आंसर है बी ब्रेजियासीज में ओके आई होप ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने डिस्कशन किया हुआ है अब इसके बाद हमने बात कर रहे हैं हम एंड इन्फ्लोरेंसिस की और ये बात कर रहे हैं कि वो कौन सा फ्रूट है जो कंडेंस्ड इन्फ्लोरेंसिस से डेवलप होता है और वो है कंपोजिट फ्रूट ओके सिंपल फ्रूट नहीं होता एग्रीग्रेट नहीं होता वो होता है बेसिकली कंपोजिट फ्रूट फाइन अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे रेडियल सिमिट्री रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लॉर ऑफ रेडियल सिमेट्री जब हमने सिमेट्रिकल बात की थी आपको याद है हमने कुछ बात की थी जब हमने बात की थी किस तरह की जो जो बनावट होती है ये किस तरह की होती है कई में में रेडियल भी होती है सेंट्री फ्यूगल आपको याद है वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट हमने डिस्कशन किया है इसके ऊपर अब हम बात कर रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा स्पीशी जिस है जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है और वो आंसर है ब्रैसेका ब्रेसिका में रेडियो सिमेट्री पाई जाती है फ्लावर्स में द स्टेम मॉडिफाइड इन टू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीवस फाइन उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं जब हम मॉडिफाइड स्टेम्स की हमने बात की अभी हमने फिर से रेफरल में बात की थी कोई किसी uh, किसी आई थिंक क्वेश्चन के रेफरल में हमने बात की थी व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडिफाइड स्टेम्स एंड वी स्पोक अबाउट मॉडिफाइड रूट्स एंड वी स्पोक अबाउट मॉडिफाइड लीव्स सो वी नो दैट एनी 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 ऑफ दी एरियाज कोई भी पार्ट जो कि अपने अलावा जो उसका जो बेसिक फंक्शन है उसके अलावा कोई एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठाता है कोई और एडेड फंक्शन करता है तो वो थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है और मॉडिफाइड की कैटेगरी में आ जाता है अब हम बात कर रहे हैं द स्टेम मॉडिफाइड इन फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव उसको बोला जाता है फ्लायो क्लेट्स ओके सो ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अब दिस इज अ बेसिकली अ टर्मिनोलॉजी ये टर्मिनोलॉजी है इसमें आपको क्यों क्या कैसे कहां में नहीं जाना है ये टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको याद करना पड़ेगा जैसे कि वो है तो आप यहां पे इसको फिट कीजिए इस वर्ड को और आप इसको कंसेप्ट को याद कर लीजिए स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर कॉल्ड फ्लायो क्लेड गोरेट अब हम आते हैं नेक्स्ट पे अब हम बात करते हैं वन सीडेड विंग्ड फ्रूट इज वन सीडेड विंग्ड फ्रूट इज इनमें से वो कौन सा फ्रूट है जो कि वन सीडेड विंग्ड है और क्या वो हम यहां देख के समझ सकते हैं नहीं यहां पे हम देख के नहीं समझ सकते हैं तो हम आते हैं सीधे आंसर पे और वो है समारा समारा बड़ा स्टाइलिश सा नाम भी है लड़कियों के नाम रखे जाते हैं आजकल समारा के आई आयरन नो कि वो एक फ्रूट के ऊपर रखे जाते हैं आई एम जोकिंग उसका मतलब कुछ और होता होगा बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं वन सीर विंग फ्रूट की उसका नाम भी समारा है अब समारा फ्रूट आप एक बार जाइएगा और देखिएगा कि किसको कहते हैं वेन ऑफ द लीव्ज़ आर यूज़फुल फॉर वनस ऑफ द लीव्स आर यूजफुल फॉर जब हमने लीव्स के बारे में पढ़ा था जब हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ा था हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था हमने उनके जो विनेशन का सिस्टम है हमने वो पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि उसमें किस तरह के जो लीव्स हैं उसमें मिड मिड्रिप के बारे में आपको याद है कुछ मिड मिड्रिव्स विनेशन हमने ये कंसेप्ट वहाँ पर पढ़े हुए थे उनका जो बनावट है कई में जो होता है वो पैरल होती है कई में जो होता है वो नेट फॉर्म में होती है आपको बहुत अच्छे से वो कंसेप्ट याद होगा तो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दैट अभी हम बात कर रहे हैं वेस ऑफ द लीव्स आर यूजफुल फॉर किस लिए यूजफुल होंगी वो वेन्स क्यों होती हैं किस लिए होंगी सारे कांसेप्ट करती हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रेजेंट करती हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर एंड मिनरल्स को ओवर ट्रांसपोर्ट करती हैं न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक न्यूट्रंस को जैसे कि मैंने कहा कि कुछ कुछ कंसेप्ट जो हैं वो प्लांट किंगडम के एनिमल किंगडम से मिलते जुलते हैं हमारे शरीर में जब हम वेन्स और नर्व्स की बात करते हैं तो वो भी बहुत सारे काम करती हैं और काफ़ी कुछ जो उनके काम हैं वो मिलते जुलते होते हैं तो अगर आप ह्यूमन रेफरेंस से या एमल रेफरेंस से या एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के कुछ रेफरल एक साथ समझ लेंगे तो आपको वो कंसेप्ट ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाते हैं तो वेन्स जो है बेसिकली लीव्स में ये सारे ही काम करते हैं करती है हम आते हैं नेक्स्ट पे अब हम बात करते हैं फिर से हम आ गए हैं प्लेसेंटा के ऊपर और पेरिकाप के ऊपर हाँ, एडिबल पोर्शन इन अब प्लेसेंटा और पेरिकाप इनमें से किसके का एडिबल पोर्शन है मैंगो हमने डिस्कस किया ड्रूप के बारे में हमने डिस्कस किया पटेटो बनाना बनाना भी हम डिस्कस कर चुके हैं बिगनर सेक्शन में तो ये भी आंसर आपको क्लियर होगा अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारे हम्बल टमेटो के बारे में टमेटो का हमने साइंटिफिक नेम डिस्कस किया था बिगनेक्स सेक्शन में याद है आपको बहुत ही अफलातूनी नाम था और हमें ये लग रहा था कि पता नहीं क्या ही नाम है और ही यूज होता है और कहां देखा होगा पर वो पता चला था निकला था एंड में खोदा पहाड़ और निकली चूहिया जैसा कि वो निकला था बेचारे टमाटर का नाम तो खैर यहाँ पे जो आंसर है वो टमेटो है पेरी का जो है वो टमेटो में खाया जाता है और दूसरी बात आपको टमेटो के बारे में यही मालूम होगा इट इज अ फ्रूट नॉट अ वेजिटेबल हमारे घर में सदियों से हमें ये बोला जा रहा है कि सब्जियों की जब बात होती है तो हम बात करते हैं आलू प्याज टमाटर की तो टमाटर बेचारा सब्जी नहीं है वो एक फ्रूट है क्यों क्योंकि उसके अंदर सीड्स है ओके okay? अब हम आते हैं नेक्स्ट पे अब हम आते हैं रेपलम इज रेपलम क्या होता है ओके okay. रेप्लम जो होता है क्या वो सेप्टम होता है क्या वो थर्मस होता है क्या वो व्यून होता है क्या वो सेप्टम uh, होता है अगेन ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है ये अगेन जो है हमारे फ्लावर से जुड़ा हुआ है और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि रेप्लम बेसिकली होता क्या है रेप्लम होता है फॉल्स सेप्टम ठीक है सेप्टम होता है फॉल सेप्टम को हम बोलते हैं रेपलम अगेन दिस इज डेफिनेशन और आप इसको सीधे सीधे ऐसे याद कर सकते हैं दैट फॉल सेप्टम इन फ्लावर इज नोन एज रेपलम नाउ लेट्स गो टू अनदर वन प्लेजेंटेशन प्लेजेंटेशन इन क्रूसीफेरा प्लांट इज प्लेजेंटेशन प्रेजेंटेशन अभी आप पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने प्रेजेंटेशन क्या होता है उसको हमने उसकी जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी है अभी स्लाइड्स में इंटरमीडिएट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन उसी में तो आपको प्रेजेंटेशन की अगर एक बार डेफिनेशन क्लियर है तो फिर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं रूसीफेरा प्लांट में प्रेजेंटेशन कैसी होती है अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्जिनल है क्या एक्साइल फ्री सेंट्रल बेसल पेरिचल पेरिटल ये इस तरह का जो इसका जो वो होता है दिस इज द चार्ट फॉर इट अब आप इसमें पढ़ सकते हैं कि क्रूसी फेरा में प्रेजेंटेशन किस तरह की होती है वो होती है पेरिएटल दिस देख पा रहे हैं आप यहां पे नीचे दिस इज द आइडिया ऑफ इट ओके वेक्सिलम इज फाउंड इन फिर से ये जो है ये फिर से डिफिनीशन्स आ गई हैं ये हमने डिस्कशन किए हुए थे ये नए नए वर्ड्स निकल निकल के उभर उभर के आ रहे हैं आपको इनसे नहीं घबराना है ये अगर आप उसको देखेंगे तो ये बड़े सिम्प्लीफाइड हैं ये किसी किसी पर्टिकुलर फ़ैमिलीज को बिलोंग करते हैं और ये इनके बड़े मुश्किल से साइंटिफिक से नेम हैं पर इनका जो कंसेप्ट है वो बहुत ईजी है तो आपको उसको नहीं घबराना है अब हम बात करते हैं वैक्सिलम की वैक्सिलम जो है बेसिकली पाया जाता है क्रूसी में ओके okay. इसमें आपको जो हमने सबसे पहले क्रूसीफेरा का हमने सबसे पहले जिक्र अभी इंटरमीडिएट में ही किया था इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस में हमने बात की थी उसमें भी हमने इन्हीं कंसेप्ट की बात की थी उसमें हमने सिलंसीस की बात की थी थीज की बात की थी और भी और भी अलग अलग कंसेप्ट की बात की थी क्रूसीफेरा में वैक्सिलम पाया जाता है अब लीव बॉडिफाइड इन टू स्पाइन्स इन Uh, आपको कंफ्यूज नहीं होना है हमने वो कैक्टस की बात की थी जब हमने बात की थी कि स्पाइंस जो है उनकी वो वर्क करती है एज अ मॉडिफाइड लीव्स अब हम बात कर रहे हैं लीव्स बेकम मॉडिफाइड इनटू टू स्पाइंस है ना अब लीव जो है वो मॉडिफाई हो जाती है इनटू टू स्पाइंस बिल्कुल ऑपोजिट कहानी है इसकी और ये होता है अनियंस के साथ तो आपको कन्फ्यूजन तो नहीं है ना वो जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि उसकी स्पाइंस जो है वो मॉडिफाइड लीव्स की लीव uh, जो होती हैं उसकी वो स्पाइन की तरह काम करती हैं और यहाँ पे लीव जो है मॉडिफाइड इंटू स्पाइंस हो जाती हैं काहे में हमारी अनियंस में अनियंस यानी हमारी प्याज जो कि हम नॉर्मली घर में सैलड्स में और अलग खाने में इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में अनियंस के बारे में और भी हमने बहुत ही रोचक जानकारियां जो थी वो हमने डिस्कस की थी जब हम प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे जिसमें से बड़ी एक सिंपल सी जानकारी वो ये थी कि वो बहुत सारे उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सो वो सो जो सोरनेस हो जाती है या कहीं पर ब्लिस्टर होता है तो उसको हील करने में मददगार होता है और सबसे इंपॉर्टेंट और तो सबसे मजेदार उसकी जानकारी ये थी कि अगर आप उसको रात में खाते टाइम रात में सोने से पहले अगर आप अनियन खाते हैं खाने में एज अ सैलड अगर आप उसको लेते हैं तो वो आपको सोने में भी बहुत मदद करता है क्योंकि वो एक तरह का नेचुरल ना सेडेटिव होता है खैर अभी हम बात कर रहे हैं मॉडिफाइड जिसमें लीव्स जो है वो मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस हो जाती हैं वो होती हैं अनियंस में ओके okay? अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे जो के हैं द मिनरल इन्वॉल्वड इन स्प्लिटिंग रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फाइनली 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 अब हम फूलों की दुनिया से बाहर निकल के पत्तियों की दुनिया में आए हैं और हम हम आते हैं हमारे एक और प्रोसेस के बारे में जो हमने बहुत पढ़ा है बहुत डिटेल में पढ़ा है पढ़ पढ़ के हम बोर हो चुके हैं जो कंसेप्ट है फोटो का पर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि मिनरल इन्वॉल्व इन स्प्लिटिंग रिएक्शन ड्यूरिंग फोटो इज कौन से वो मिनरल होते हैं जो कि फ़ोटो में इन्वॉल्व होते, है, होते हैं स्प्लिटिंग रिएक्शन में ड्यूरिंग द फोटोसिंथसिस होते हैं मैग्नीज एंड क्लोरीन ओके जो ये जो मिनरल्स हैं इनके बारे में हमने नॉर्मली फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस पढ़ा है उसमें हम जो घूमते रहते हैं आसपास वो हम घूमते रहते हैं या तो कार्बन डाइऑक्साइड के या नाइट्रोजन के पर अभी हम बात हैं उन दो मिनरल्स की अगेन मैंने आपको कहा था कि उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रंट्स माइक्रो न्यूट्रिंट्स बहुत सारे फंडे होते हैं अभी हम बात करें मिनरल्स की जो कि इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं मैगनीज और क्लोराइन क्लोरीन ओके ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इंटरमीडिएट लेवल का आई एम श्योर इंटरमीडिएट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने किए होंगे मेरे साथ कुछ आपके क्लियर हुए होंगे कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी याद करनी पड़ेंगी उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उनको उसमें कुछ में भी नया एक्सपेरिमेंट नया एडिशन एब्सट्रेक्शन हम नहीं कर सकते डेफिनेशन हमें एज इट इज याद करनी पड़ती हैं टर्मोलॉजीज हमें एज इट इज याद करनी पड़ती हैं सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज द फिफ्टी question of our intermediate level of intermediate level of MCQs in plant kingdom is maximum photosynthesis occurs in maximum मैक्मम जो photosynthesis है वो कौन सी light में अक करता है normally जो हमारे दिमाग में आता है वो ये होता है कि जो light है वो जो है वो सूरज की रोशनी उसमें पढ़ना बहुत जरूरी होती है जैसे हमने कहा कि ये जो concept है energy लेता है उसके through CO2 और oxygen बाहर जाती है और एच का कांसेप्ट यहाँ पे आता है पर अभी हमें ये समझना है कि वो कौन सी लाइट होती है जिसमें मैक्सिमाइज्ड होता है फोटोसिंथेसिस और वो लाइट्स अब ये जो लाइट्स हैं ये तो हमने कभी ना सुनी ना देखी ना समझी हमें पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई लाइट्स भी होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के, के प्रोसेस में यूज की जाती हैं अब उसमें लिखा है ब्लू लाइट रेड वाइट ग्रीन अब एक्चुअली हमें ये समझना पड़ेगा कि उसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस में कि क्लोरोफिल होता है जो पिगमेंट होता है वो वो ट्रैप करता है रेड लाइट को और ब्लू लाइट को और रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन लाइट को और क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इसलिए जो पत्तियों का कलर है वो हमें ग्रीन नजर आता है बट बेसिकली वो कौन सी लाइट होती है जो कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जिसमें अकर करता है वो होती है रेड लाइट ओके सो अब आई एम श्योर यहां हमारा जो है फाइनली इंटरमीडिएट लेवल्स के जो हमारे पचास क्वेश्चन होते हैं और आई एम श्योर आपने बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझे होंगे कोई ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको क्लियर नहीं हो पाए हैं तो हम आप आ, हमको लिख सकते हैं आप हमको बता सकते हैं ऑफकोर्स आपको इस बारे में आपको रिवाइज करना पड़ेगा दोबारा जाके पीछे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हर चीज हर कंसेप्ट तो आपको याद नहीं हो सकता राइट इसके लिए तो बहुत हाई आई क्यू लेवल चाहिए मतलब बिल्कुल आइंस्टाइन टाइप का लेवल चाहिए तो आई अंडरस्टैंड कि हर चीज आप अपने दिमाग में याद नहीं रख सकते तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको वापस जो हमने पूरा प्लान किंगडम करा था वो आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है मैगने लॉग इन करेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज खुलेगा राइट right? इस पेज में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आप टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं अब किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक के जो कोर्सेज हैं वो तो हैं ही उसके अलावा कुछ हैं, जैसे कि है कि ओलंपियाड है एन टी एस सी है अब हम जैसे बात कर रहे हैं ओलंपियाड की राइट right? तो आप ओलंपियाड पर जाएंगे क्लिक करेंगे पेज ओपन होगा कुछ इस तरह का इस तरह के पेज में आपको क्या करना है आपको आईजी का जो ओलंपियाड है वो फाइंड करना है वहां पे आपको क्लिक करना है और अगेन इस तरह का एक और पेज ओपन होगा नीचे आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते जाना है और आपको जितने भी वीडियोस हमारे अपलोडेड हैं वो सारे मिल जाएंगे अब जो भी आप पढ़ना चाहते हैं जो भी आप कंसेप्ट समझना चाहते हैं जैसे आपको मान लीजिए कन्फ्यूजन है टर्मोलॉजीज में तो व्हाट यू नीड टू डू आप यहाँ नीचे जाएंगे आप टर्मोलॉजी वाला जो वीडियो है वो सर्च करेंगे ढूंढेंगे आप उसको ऑन करेंगे और इस तरह से वो वीडियो आ जाएगा आपको जो वीडियो दिखेगा उसमें आपको अगर पूरी टर्मोलॉजी पढ़नी है तो वेल एंड गुड नहीं पढ़नी है तो जो पर्टिकुलर आप पर आप पढ़ना चाहते हैं आगे पीछे उसको स्क्रोल करके पढ़ सकते हैं यही यही सिमिलर 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 आप आप आगे कर सकते सकते हैं हैं जो प्रोसेस है रिपीट करके कोई और वीडियो भी देख सकते अब इस तरह से आप हमारा जो मटेरियल है जो डेटा है वो एसेस कर सकते हैं नए वीडियोस जो है हमारे वो कब आते हैं ओलंपियाड्स के ओलंपियाड्स के आते हैं हर हफ्ते तीन दिन आते हैं शुरू के तीन दिन दिस इज मंडे ट्यूसडे ट्यूजडे वेन्सडे उसमें सुबह दस बजे इंग्लिश का आता है फिर एक बजे जो है वो मैथ्स का आ जाता है और सेवन ओ क्लॉक आपको मिलेगा आई का तो इसके लिए आप बेसिकली बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं वो आपको रिमाइंडर सेट कर देगा और जब भी जैसे भी कोई नया वीडियो आएगा वो फटाक से वो बेल बजेगी और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अब इसके लिए ये ये तो बात हो गई हमारे वीडियोस पे जाके हमारी वेबसाइट की अब हम बात कर रहे हैं यूट्यूब की यूट्यूब पे हमारा नोटिफिकेशन जो है आपने देख लिया कि कैसे आते हैं उसके अलावा अब आपको मालूम है so आपको हमें सब्सक्राइब करना है आपको अपने फ्रेंड्स से बोलना है हमें सब्सक्राइब करने के लिए एंड टुगेदर वी विल क्रैक दिस आई जी के नाम की जो एग्जाम है ना इसको हम साथ में मिलकर क्रैक करेंगे वॉट यू जस्ट नीड टू डू इज यू नीड टू लाइक अ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अ पेज एंड वी आर सॉटेड ओके अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन हैं और ये होने वाले हैं थोड़े से टफ वो आप समझ ही गए होंगे लेवल देख के कि बिगनर के बाद इंटरमीडिएट जो सेक्शन था वो थोड़ा सा टफ था अचीवर्स सेक्शन ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा और टफ होने वाला है लेकिन अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करके पुराने वीडियो जाके पढ़ लेंगे और एक बार आप फिर से दोबारा इसको ब्रशअप कर लेंगे अपने नॉलेज को तो फिर अचीवर सेक्शन विल ऑल्सो बी लाइक अ केक वॉक टू यू ओके सो आई होप कि आप पूरा पढ़ के आएंगे ताकि जब हम अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन करें तब आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो ऑल राइट बाई देन स्टेट स्टे हेल्दी एंड स्टे विथ अस सो दैट वी कैन क्रैक द आई जी के ओ एग्जाम टुगेदर थैंक यू वेरी मच